भोजपुरी फिल्मों में सुपर डुपर हिट होने की गारंटी है खेसारी लाल यादव। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव की दीवानगी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें देखने और सुनने को मिल रही है। साल 2020 लगते ही खेसारी लाल यादव के बैक टू बैक कई गाने रिलीज किए जा चुके हैं और उन गानों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। लेकिन ऐसे में दोस्तों साल 2020 के होली के शुभ अवसर पर खेसारी लाल यादव की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 रिलीज होने वाली है और अभी हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर को रिलीज किए गए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और 24 घंटे के भीतर ही इस फिल्म के ट्रेलर ने एक नया इतिहास रच दिया है। क्योंकि फिल्म के ट्रेलर ने कुछ खास तो कमाल नहीं कर पाया है लेकिन अपने आप में इस फिल्म के ट्रेलर ने रिकॉर्ड बना लिया है। महज 24 घंटे के भीतर ही इस फिल्म के ट्रेलर ने 2 मिलियन प्लस व्यूज हासिल कर लिए हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव की बाकी फिल्मों के ट्रेलर के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। खेसारी लाल यादव की कोई भी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है तो जाहिर सी बात है इतने व्यूज आसानी से मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भोजपुरी के तमाम बड़े सुपरस्टार इस मुकाम को हासिल करने में कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आते हैं। खेसारी की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 काफी मायनों में खास होगी क्योंकि इस फिल्म में एक दमदार स्टार कास्ट हमें देखने को मिल रही है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के अलावा सहर अफ्साह, अमरपाली दुबे और रितु सिंह जैसे बेहतरीन कलाकार हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे। इस फिल्म के निर्माता है निषाद उज्जवल और फिल्म का बड़ी खूबसूरत तरीके से डायरेक्शन की है रजनीश मिश्रा ने। फिल्म के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिल चुका है जिसका बड़ा फायदा होली के शुभ अवसर पर हमें देखने को मिलेगा। होली की छुट्टी के दिन खेसारी लाल यादव की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 रिलीज होगी और लोग इस फिल्म को अपना भरपूर प्यार भी देंगे।